कल ही हमने कह दिया है पढ़ाई का तो 10 से 4, लेकिन टीचर्स को जो बच्चे 10 बजे से पढ़ेंगे तो टीचर को 15 मिनट पहले आ जाना चाहिए, यही तरीका है। अरे क्या बात करते हैं, 10 बजे लड़का आकर के बैठेगा और वो 10 मिनट पहले नहीं आएगा, टीचर भी 15 मिनट पहले आ जाएगा ताकि बच्चों की पढ़ाई 10 बजे से और 4 बजे तक पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो वो 15 मिनट के बाद चला जाएगा, यही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार में शिक्षकों को लेकर हंगामा जारी है। एक तरफ नियोजित शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा को लेकर हंगामा किया, लगातार प्रदर्शन किया, जिसके बाद बिहार सरकार ने शिक्षकों की बात मान ली और अब उनके सक्षमता परीक्षा को ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन ढंग से लिया जाएगा। आपको बताएं कि सड़क से लेकर अब बिहार में शिक्षकों की जितनी भी बातें हैं वो सदन तक आ गई है। इस विषय पर अब सदन में भी लगातार हंगामा हो रहा है। बिहार बजट विधानसभा में बजट सत्र जो है वो चल रही है। आज 6ठे दिन भी शिक्षकों का मुद्दा लगातार गंभीरता नजर आ रहा है। आपको बताया कि एक तरफ नीतीश कुमार ने अपना बयान देते समय एक बड़ा बयान दे दिया है और दरअसल बिहार में शिक्षकों की टाइमिंग को लेकर के जो है नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान किया। इनकी टाइमिंग अब 10 बजे नहीं बल्कि 9:45 होगी, यानी 10 बजे से पहले 15 मिनट पहले शिक्षकों को स्कूल पहुंचना होगा और फिर 15 मिनट बाद ही वो स्कूल से बाहर जा सकेंगे। बच्चे 10 से 4 पढ़ाई करेंगे लेकिन जितने भी शिक्षक हैं उन्हें 9:45 से लेकर के 4:15 तक स्कूल में ठहरना होगा। दरअसल नीतीश कुमार ने कहा कि अगर स्कूल में पढ़ाई 10 बजे से शुरू हो जाती है तो शिक्षकों को 15 मिनट पहले आना होगा और जब बच्चे चले जाते हैं यानी 4 बजे जब बच्चे स्कूल से चले जाएंगे तो और 15 मिनट रुक करके उसके बाद ही शिक्षक स्कूल से बाहर जाएंगे। तो देखिए लगातार शिक्षकों को लेकर के जो चीज़ें बिहार में चल रही है ये मुद्दा अब सदन में भी उठ गया है। नीतीश कुमार ने नया नियम लागू कर दिया है और उन्होंने कहा है कि 10 बजे नहीं बल्कि 9:45 पर ही शिक्षक को स्कूल पहुंच जाना होगा। अब इस पर विपक्ष ने लगातार हंगामा भी किया। इस पर नीतीश कुमार ने क्या कुछ बयान दिया, के पाठक को लेकर के भी सदन में नीतीश कुमार ने अपना बयान दिया, क्या कुछ नीतीश कुमार का कहना है सुनवाते हैं। कल मैंने कह दिया था वो लागू हो गया है। अरे सुनिए माननीय मुख्यमंत्री बोले, हल्ला करिएगा खाली, सुनिएगा पूरी बात सुनिए, हल्ला करिएगा खाली सुनिएगा। कल ही हमने कह दिया है, आप जान लीजिए जो होगा 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक के लिए। और शिक्षकों सुनो, आप नहीं जानते हैं शिक्षकों को, अरे आप तक पढ़े नहीं हैं, सुना करिए ना, आप जानते हैं ना, सुनिए हम कह रहे हैं, ध्यान सुन लीजिए। कल ही हमने कह दिया है पढ़ाई का तो 10 से 4, लेकिन टीचर्स को जो बच्चे 10 बजे से पढ़ेंगे तो टीचर को 15 मिनट पहले आ जाना चाहिए, यही तरीका है। अरे क्या बात करते हैं, 10 बजे लड़का आकर के बैठेगा और वो 10 मिनट पहले नहीं आएगा, टीचर भी 15 मिनट पहले आ जाएगा ताकि बच्चों की पढ़ाई 10 बजे से और 4 बजे तक पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो वो 15 मिनट के बाद चला जाएगा, यही है नियम पहले से। इसका मतलब आप लोगों को पढ़ाई से कोई मतलब नहीं रहा। हमको लगता है इन लोगों को मालूम नहीं है, टीचर को हमेशा बच्चियों के 10 मिनट 15 मिनट पहले स्कूल में आना पड़ता है तो उसको तो 15 मिनट पहले आ ही जाना पड़ेगा कॉलेज में, और जब सारे बच्चे को भेज देगा उसके बाद उसके 10-15 मिनट के अंदर चला जाएगा, यही तरीका है, यही हमने कह दिया। यदि अपने साथ पड़ जाए, अपने साथ तय है, कोई इधर उधर नहीं करेगा, और कोई इधर उधर करेगा तो एक्शन होगा। अरे आप जानिए ना पहले कुछ पढ़े हैं कि नहीं पढ़े, अब हम नहीं सुनेंगे। आप सत्यवजी अपने स्थान पर जाइए, लोग तो इतना सुनते थे, अपने स्थान पर जाइए। दिया आपको, अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया उसका, जाइए अपने स्थान में बैठिए, अपने स्थान में बैठिए। माननीय मंत्री संसदीय कार्य,